नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्री जैन सिद्धांत प्रवेशकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। कल हमने कषाय से स्थिति अनुभाग बंद, योग से प्रकृति प्रदेश बंद हमने देखा, जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि स्थिति अनुभाग का बलवानपना सच्चा बलवानपना है और स्थिति अनुभाग में दम नहीं हो तो प्रकृति प्रदेश कुछ विशेष मायने नहीं रखते। इसलिए जिन जीवों को बंद नहीं करना हो वे जीव कषाय न करें, ऐसी कल बात हमने देखी थी। आपको याद आ रहा है? कितने जन को याद आ रहा है? कल हमने प्रकरण देखा, शराब का उदाहरण देखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ा। आज चलेंगे प्रकरण 142वें प्रश्न से आगे। ये प्रकृति विषय प्रवेशिका चाहिए, प्रवेशिका एक वहां पर दे दो। तो प्रकृति बंध मूल रूप से कितने प्रकार के हैं? मूल रूप से संक्षिप्त शैली में कर्म तो कर्म ही है, एक ही प्रकार का कर्म है, जीव को पराधीन करता है। उसका दो भागों में विभाजित करना हो तो घाती कर्म और अघाती कर्म, जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं सो घाती कर्म, और जो अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं वे अघाती कर्म। याद आ रहा है? ये हमने पहले कभी परिभाषा देखी थी जब अनुजीवी प्रतिजीवी गुण देखे थे। याद आ रहा है? अनुजीवी प्रतिजीवी देखा था, कितने जन को याद आ रहा है? अनुजीवी प्रतिजीवी गुण, जिसमें से फिर अनुजीवी गुण का हम गर्भित शुद्धता वाला प्रकरण निमित्तोपादान चिट्ठी खोल के पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। याद आ रहा है? बहुत अच्छा। तो घाती अघाती ये दो प्रकार के भेद कर्मों में हो सकते हैं, और उसका और विभाजन होना हो तो कर्मों का विभाजन और रूप से भी हो सकता है। जैसे घाती कर्म के चार भेद और अघाती कर्म के चार भेद, क्योंकि अनुजीवी गुण कौन कौन से बताए थे याद आ रहा है आपको? ज्ञान, दर्शन, सुख, सम्यक्त्व, वीर्य, याद आ रहा है आपको? तो बराबर इन अनुजीवी गुणों का घात करने में वैसे वैसे नाम कर्म के पड़े हैं। ध्यान रखना, जैसे कर्म के नाम हैं बराबर नाम के अनुसार उनका काम है। पकड़ रहे आप बात को मेरी? इसलिए तत्वार सूत्र में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है उन्होंने, शायद इसी में दिया क्या क्या मालूम। अब देखिए 8वें अध्याय में जहाँ पर ज्ञान वर्णादि 8 कर्म की चर्चा की, वहाँ पर शायद ये भी कहा कि इनका भाव इनके नाम के अनुसार समझना, ऐसा शायद यहाँ पर मिलेगा आपको। ये 8वां अध्याय है, यहाँ पर देखिए आप, ये अद्योग ज्ञान, ये चौथा सूत्र पढ़ रहा हूं मैं, चौथा आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतराया। हाँ, मतलब इसमें वो बात नहीं लिखी उन्होंने कि अपने अपने नाम के अनुसार ये काम करते हैं। एक बात और, ये आद्यो ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे? आद्यो ऐसा सूत्र में क्यों लिखा? एक कोई ग्रंथ वहां पर रखे पीछे, नहीं तो आप आगे आकर बैठे तो आपको ग्रंथ मिल जाएगा, ये बच्चे के पास ग्रंथ है सब। हाँ बोलिए,
यहाँ पर आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनी आयुर्नाम गोत्रांतराय लिखा ना, आद्यो का अर्थ क्या लेंगे? आद्यो मतलब ऊपर के सूत्र में देखिए, वहां पर लिखा है प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद्विदय। इन चार प्रकार के बंध में प्रकृति आद्यो मतलब पहले वाला प्रकृति बंध आठ प्रकार का होता है। सब समझ रहे मेरी बात को? कितने जन ने बात को समझा? बहुत अच्छा। ये ज्ञानावरण के ये प्रकृति बंध के आठ भेद बता रहे। ये कर्म आठ प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं। एक मिनट है जरा, एक मिनट। आठ प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं तो क्या क्या इनका स्वभाव होता है? संक्षेप में मैंने क्या बोला? एक तो दुख देना, ये तो सीधा कर्म का एक स्वभाव। और दो भागों में विभाजित करो, घाती अघाती, तो अनुजीवी गुण का घात करने वाले घाती कर्म, अनुजीवी गुणों का घात नहीं करने वाले अघाती कर्म। फिर और विभाजन करो तो अनुजीवी गुण क्या क्या लिए थे? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो ज्ञान को ढकने वाला ज्ञानावरण, दर्शन को ढकने वाला दर्शनावरण, सुख को ढकने वाला मोहनीय, और वीर्य को ढकने वाला अंतराय। पकड़ रहे हैं आप सब मेरी बात को? तो ये स्वभाव है इनके अलग अलग। अब हम धीरे धीरे देखेंगे, एक एक प्रश्न की तरफ हमें बढ़ना है। बोलो भाई, क्या? नहीं, शब्द नहीं है, एक ज्ञानावरण आदि आठ नाम है इसमें। अब मैं तो ये कह रहा था कि इनके जैसे नाम है वैसा ही ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं दिया इन्होंने। नाम से ही निश्चित होता है ये क्या काम करते। जैसे ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, पकड़ रहे आप सब? नाम से ही सिद्ध होता है ये क्या काम करेंगे। देखते हैं हम सबसे पहला कर्म। कर्म देखने के पूर्व मैं थोड़ी याद दिलाऊं आपको, दौलत राम जी की एक देव स्तुति है, देव स्तुति नहीं है, हाँ, वहां पर लिखा है अरि रज रहस विहीन, लिया है? वहां पर आप में से कोई बताएगा वहां पर क्या अर्थ किए थे अरि रज रहस के? मैं नाइन्थ वालों से सुनना चाहूंगा, अरि रज रहस के क्या अर्थ किए थे? नहीं बताएगा, आप बोलोगी अरि रज रहस। शब्द तो सबको पता है अरि रज रहस। देखिए, अरि रज और रहस दो बातें। देखो, रज की जब चर्चा आई तो रज का अर्थ उन्होंने किया, रज मतलब तो धूलिकण होता है, मिट्टी, उसको रज कहते हैं, ये जानते हो ना? रज धूली किसी चीज पर बैठ जाती है, आच्छादित कर देती है, इसलिए उसको कहते हैं आवरण। क्या कहते हैं? तो रज का अर्थ लिया आवरण। तो रज के अंतर्गत दो समाहित हो गए, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, ठीक है। और अरि का अर्थ क्या किया उन्होंने फिर? मोह। देखो, अरि इस शब्द का प्रयोग मोह के लिए किया है उन्होंने। शत्रु कौन? तो आठ कर्म में मोह को शत्रु बोला, मूल शत्रु तो ये मोह ही है, बाकी तो बाकी कोई विशेष बात नहीं है ज्यादा। मैंने कल भी कहा था बाकी सात कर्म हमको मोह को लेकर ही दुखदाई है, उनका उदय मंद तीव्रपना। यदि मोह नहीं है तो कोई आपत नहीं है इनमें, कुछ भी हो बाहर की परिस्थितियां। तो मूल शत्रु हमारा मोह है। और रहस का अर्थ अंतराय कर्म लिया। इस प्रकार अरि रज रहस में चारों घाती कर्म को याद दिलाया था। ओके, अभी मैं यहां से प्रश्न पढ़ू, प्रकृति या कर्म के कितने भेद है? प्रकृति बंध या कर्म के आठ भेद है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय कर्म। और प्रकृति, और प्रकृति एकार्थवाची है क्या?
देखिए अभी क्या कहते हैं, यहां पर जो सीरियल दी है वो तत्वार सूत्र के अनुसार दी है। कौन सी सूत्र दी? ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद मोहनीय अंतराय नहीं लिखा, गोमट सार में भी तत्वार सूत्र में भी ये क्रम ऐसा ही है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय फिर मोहनीय फिर आयु नाम गोत्र और फिर अंतराय, उसका भी रहस्य इस क्रम का। कुछ रहस्य क्या है जब वेदनीय कर्म की चर्चा चलेगी मैं तब बताऊंगा, अभी तो इतने रहस्य बताऊं। ज्ञान को सबसे पहले क्यों लिया? ज्ञानावरण को पहले सबसे पहले लेते तो दर्शनावरण को लेते, क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। तो ज्ञान का भी, ज्ञान को उपुष करने वाला कौन? दर्शन होता है। तो दर्शन को पहले लिखते ना? नहीं, ज्ञानावरण को पहले इसलिए लिखा क्योंकि ज्ञान प्रधान गुण है आत्मा का और ज्ञान लक्षण है, निर्णायक है। निर्णय पूरा तत्व निर्णय छह द्रव्य सात तत्व देवशास्त्र गुरु का कौन करता है? ज्ञान ही देखने वाला है, बाकी सब गुणांदेह है। इसलिए पूज्यता की अपेक्षा ज्ञान को पहले कहा जाता है, और इसलिए ज्ञान को पहले कहा जाता है इसलिए ज्ञानावरण को सबसे पहले लिया है। पकड़ रहे सब? और फिर दर्शनावरण को क्यों लिया? क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जोड़ा ऐसा इसीलिए है क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है छद्मस्थ अवस्था में, और दर्शन और ज्ञान इतने नजदीकी के गुण है कि उसका भेद करना भी संभव नहीं। दोनों का काम प्रतिभास करना है, अवलोकन कराना, प्रकाशन कराना। दर्शन स्व का प्रकाश कराता है, ज्ञान पर का प्रकाश कराता है। एक सामान्य अवलोकन वाला है, एक विशेष अवलोकन वाला है। दोनों का काम एक सरीका ही है। और दंशन पूर्वमनानम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है छद्मस्थावस्था में, इसलिए ज्ञानावरण के तुरंत बाद दर्शनावरण को लिया। पकड़ रहे सब? यहां तक कि जब ज्ञानावरण ये कर्मों का आश्रय क्यों होते हैं जीव को, ये जब चर्चा आई तो आचार्य ने ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारणों की चर्चा एक साथ की, ये कहकर कि जो जो कारण ज्ञानावरण के बंध में कारण है वे ही सब बातें दर्शनावरण के बंध में कारण है। मतलब इतने नजदीकी है ये कर्म, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? मैं अभी क्या बता रहा हूं कोई बताएगा मुझे? ए भाई मैं अभी क्या बता रहा हूं? मैं अभी मुद्दा कौन सा उठा है? बोलो। ज्ञानावरण को पहले क्यों दिया दर्शन? और मूल प्रकरण में चलो बोलो बराबर। मैं आपको क्रम बता रहा हूं, क्रम का औचित्य चल रहा है हमारा। पहले ज्ञानावरण क्यों लिखा और फिर दर्शनावरण क्यों आया, ये दो की चर्चा मैंने की। फिर जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी मैं एक एक की चर्चा करते जाऊंगा, ठीक है? अभी ज्ञानावरण की हम एक बार परिभाषा देख ले, ठीक है? देखो यहाँ की परिभाषा ये दी है, जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घातता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। आइए अभी अपने प्रकरण में देखिए, जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घातता है उसे ज्ञानावरण कहते हैं। ज्ञान आवरण, उस पर आवरण आ गया, होता है ना आवरण, आवरण समझते ना, जैसे सूर्य है, सूर्य पर आवरण आ गया, प्रकाश फैलेगा। इतने बड़े सूर्य को यह तो मेघ का आवरण आता है, उससे थोड़ा अंदाजा लगता है। मैं तो यह कहूं मेघ के आवरण को थोड़ा गौण करके अब सूर्य ग्रहण की विचारो। अब जानते हो ना, जब ये राहु सूर्य के आगे आ जाता है, राहु ग्रह है ना एक, तो दिन में ही पूरा अंधकार हो जाता है। सोलर इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स ऐसे ही कहते ना इसको। और एक होता है लूनार इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण,
जिसमें चंद्रमा के आगे केतु आ जाता है, आपके ज्ञान में है ये? मैं तो ये कह रहा हूं इतना बलशाली सूर्य, लेकिन उसके आड़े कोई आवरण आ गया, खत्म है खेल उसका, खेल खत्म। इतनी ताकत होते हुए भी कुछ भी दम नहीं, खत्म हो गया। तो हिंदू लोग बहुत मातम मनाते हैं, जब ग्रहण होता है, ग्रहण लगता है सूरज को, क्योंकि वे लोग सूर्य और चंद्रमा को देव मानते हैं। आप समझते हो? देखो मैं थोड़ी वैसी इंटरेस्टिंग चर्चा करता हूँ, थोड़ी विषय से हटकर। ये जीव के अज्ञान ने देखो कितनी कितनी बातें खड़ी कर दी। ये बड़ का पेड़ है ना, बड़ का पेड़ बहुत छायेदार होता है, बहुत उपकारी है। पहले जमाने में जगह जगह ऐसे रुकने करने के स्थान रहते नहीं थे, जंगली जंगल रहते थे, रस्ते थे, शेड वेड होने का कोई सवाल ही नहीं। तो ये बड़ के पेड़ बहुत उपकारी होते थे, छायेदार। दोपहर में सब पेड़ के नीचे आकर बैठते थे, विश्राम करते थे, पंखा कूलर कुछ नहीं होता था, और हवा कौन करेगा? साहब हम ऐसा ऐसा रुमाल घुमा रहे तो उसके लिए आग कब लगेगी फिर, और दूसरा कौन हवा देगा उसको भी? तो बेचारे को सोना है, तो ऐसा होगा अब तू सो जा बेटा, अब तू तू उठने के बाद तू हवा दे मैं सो जाऊँ, ऐसा भी संभव नहीं। तो पेड़ के नीचे अगर सो गए, ये बड़े उपकारी होते थे। इसीलिए लो भारतीय संस्कृति ने इसको भगवान बना दिया, बड़ कौन बन गया? भगवान। अभी देखिए ये नीम और पीपल का पेड़ जहाँ पर होता है वहाँ की हवा बहुत शुद्ध बनी रहती है। जिनके कैंपस में नीम हो, पीपल का पेड़ हो, वो हवा जो आएगी निरोगी बनाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लो क्या नीम और पीपल बन गए भगवान। प्रयोजन की सिद्धि की तरफ की बात है। इसी श्रृंखला में तुलसी बहुत औषधि, उससे भी हवा जो छूकर आती है वो बहुत निरोगी होती है, रोग से दूषित जीवों को ठीक करती है। तो बांध दरवाजे में, खड़े कर दो दरवाजे में, वो तो हवा का शुद्धिकरण एक बात थी, इसलिए उसको भगवान देव कहकर उसको पूज्यता बस कहनी थी। पूज्यता वो पूजा की बात नहीं थी, बात तो उसके होने की महिमा थी। लेकिन अज्ञानी की अज्ञान की महिमा इतनी, जो कुछ करे कम है। गाय हमको दूध देती है तो लोग बहुत निर्दयता से उसको मारने लग गए, काटने लग गए, फिर कैसे काम चलेगा? कितना पोषक चीज देती है। तो गाय को माता कहने की पद्धति, उनके में 33 करोड़ भगवान है, ऐसा कहने की पद्धति, पूजन करने की पद्धति, भगवान हो गई। समझ रहे आप? अब देखिए लोग तो ऐसा है, लोगों का चौका चूल्हा, उससे रसोई बनती है, वो हो गए उपकारी, उसके भी उपकरण पूछते हैं। देखा है कभी आपने? तराजू बाट, उससे धंधा धमाधम चलता है, पूछते हैं उसको। पुस्तक वही खाता, पूछते हैं। दुकान अंदर जाने में पूछते हैं, जो जो उपकारी हो पूछते हैं। अरे भैया अब मैं क्या बोलूं, उपकारी तो सभी चीजें हैं। समझ में आ रहा है? आपको बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन बाथरूम उपकारी है कि नहीं? तो उसकी पूजा करता है कोई? आप समझ रहे? ये अज्ञानी की अज्ञान की पकड़ देखो। मैं तो अभी प्रकरण क्या कह रहा हूं आप समझे थोड़ा, मुझे ज्ञान का समझाना है। कहां से प्रकरण खड़ा हुआ कौन बताएगा बोलो? सूरज से प्रकरण चला गया। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है लोग मातम मनाते हैं, दुख मनाते हैं, रोते हैं, उस दिन भूखे रहते हैं, खाते नहीं है कण भी। वे समझते हैं हमारे भगवान के ऊपर संकट आ गया। आप प्रिपेयर कर रहे होंगे कोई कंपटीशन के लिए, नहीं रात में फरारी क्यों नहीं करना, तो उसमें सब बातें हैं। अब वे
सूर्य ग्रहण लग जाए तो कुछ खाते नहीं है, बिल्कुल चुप मुंह, क्यों? भगवान पर संकट आ गए। यहां तक कि यह ग्रहण हटा, नहाते हैं फिर, सूतक पातक मानते हैं। जैसे कोई हमारा मर जाए इष्ट जन तो पातक मानते हैं, वैसे सूरज पर ग्रहण लगा तो पातक मानते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? मैं सूरज की महिमा नहीं बतानी है, मैं तो ये कह रहा हूं ज्ञान ये भी अज्ञान की बलिहारी है कि सूरज को लोग भगवान मानने लग गए। सूरज को पूछते लोग, देखा आपने? हम लोग भी सूरज को नहीं पूछते हैं, पूछते तो है ही नहीं कायदे से, हम नहीं मानते, ये बात नहीं है। हम भी मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं वो देव गति का विमान है, कोई देव मतलब पंच परमेष्टि वाले देव नहीं है, वहां पर ज्योतिषवासी देव रहते, ज्योतिषवासी का वो विमान है सूर्य। हमारे यहां उसको प्रतीन्द्र माना गया है, किसको? सूर्य को। तो हम नहीं मानते ये बात नहीं है, लेकिन लोग ने वो उजाला देता है और उस पर आवरण आ जाए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमारे सिद्धांत में लौट आओ, ज्ञानावरण की चर्चा है, ज्ञान सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हम सभी जगत को देख रहे हैं, अनुभव रहे हैं। हम लड़का लड़की का भेद कर रहे हैं, बक्सा बक्स का भेद कर रहे हैं, पानी शराब का भेद कर पा रहे हैं, ये खाई है, ये सीधा रास्ता है, ये समुद्र है, ये अच्छा रास्ता है, ये जो भेद हम कर रहे हैं, कहाँ चलना क्या सुनना, ये सब ज्ञान की महिमा है। आप समझते हो? तो जानना अपना स्वभाव है, ये ज्ञान गुण का परिणमन से हमको जानने में आता है, और जो इस पर आवरण लाता है उसका नाम ज्ञानावरण कर्म, हमारे स्वभाव को ढकने का प्रयास करता है। अभी यहां पर तो गाथा छंद में ये लिखा है, प्रश्न में, ज्ञान गुण को ढकता है। समझना क्या है कौन बताएगा? समझना क्या है? देखिए मैं बता रहा हूं, समझना यहां पर यह है कि गुण को कोई नहीं ढकता, गुण की पर्याय की बात है ये, समझ रहे? क्योंकि गुण वैसे ही अव्यक्त होते हैं, जो व्यक्त होता है उसको ढकने की बात चलती है। तो यहां पर ज्ञान गुण कहा तो है, लेकिन समझना क्या है? ज्ञान गुण की पर्याय। तो उसमें जितनी प्रगटता है वो प्रगटता कम हो जाती, किसके कारण? इस आवरण के कारण। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक आचरण उदाहरण दिया है, एक टेबल है, इसका भी एक चार्ट बनेगा अलग सा, जिसमें आठ कर्म एक तरफ आएंगे और एक तरफ उनके उदाहरण स्वभाव के। जैसे ज्ञानावरण के लिए उदाहरण आचार्य देव ने दिया, जैसे भगवान की प्रतिमा पर ढका हुआ कोई वस्त्र हो, वस्त्र से आच्छादित भगवान की मुद्रा, तो कहते हैं किसी ने आच्छादित कर दी। अब मान के चलो 25 रजाइया डाल दी उस पर, ये प्रतिमा थी इस साइज की, 25 रजाइया डाली, वो हो गई इतनी सारी, चली गई 20-25 फीट ऊपर, किसी को पता चलेगा अंदर कोई है? नहीं। अब एक काम करो, रजाइया हटाते चलो और 3-4 रजाइया बचाए रखो, तो हल्का सा पता चलने लग जाएगा कि कुछ है। थोड़ी हटाई तो थोड़ा ज्ञान हुआ। एक काम करो, और एक रजाई हटाओ और स्पष्ट ख्याल में आएगा कि कुछ है, और हटाओ और ख्याल में आएगा कि कुछ है, एक रजाई रखो ख्याल में आएगा कि कुछ है, 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 जरूर है। जो जो हटाओ त्यो त्यो ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती जा रही है। जो जो आवरण था त्यो त्यो विशेष ज्ञान नहीं होता था। अभी देखिए, रजाई के जगह किसी ने चद्दर लाकर रख दी, फिर चद्दर लाकर रखी तो कैसा होने लग गया ज्ञान? और थोड़ा स्पष्ट, कहो अस्पष्टता कम होती जा रही है, और जाते जाते एकदम पतली परत, सबसे पतला कपड़ा, जीर्ण धोती देखे अपने, जीर्ण धोती नहीं देखी किसी ने? एकदम जीर्ण, इतनी कि उसको
खेचो तो फट जाए, इतनी जीर्ण धोती से ढक दो अभी भगवान की मुद्रा को। बोलो क्या स्थिति होगी? अभी ये बात होगी, अब स्पष्ट दिखने लग जाएगा कि इसमें कुछ कोई बैठा है, कोई मूर्ति है, समझ में आएगा। अब और पतला करते जाओ, और पतला करते जाओ, स्पष्टता बढ़ती जाती है मुद्रा की। इज इट क्लियर? ये उदाहरण क्यों दिया? और पूरा हटाओ, पूरी मुद्रा दर्शनीय, पूरा आनंद झलक रहा है। यहाँ पर कोई बीच में भी आए देव दर्शन करते समय, सुहाता नहीं है, रे साहब बाजू में हटो, बीच में नहीं आना, आवरण नहीं आना चाहिए बीच में। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये कहते हैं, हमारे ज्ञान का ईश्वर यहाँ पर अंदर बैठा है और कर्म ने उसको ढका है, इसलिए हमको किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता, समझ रहे? और तो और एक इंद्र दो इंद्र पर इतना आवरण चढ़ा है कि बेचारे वो जो उनका ईश्वर है उसको भी नहीं देख पा रहे, बाहर के वस्तु को भी नहीं जान पाते हैं। आप सब समझ रहे मेरी बात को? ऐसा लिखा, निगोदी को अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान होता है। क्या लिखा, क्या कहा? अक्षर को अनंतवे भाग ज्ञान कहा निगोदी को। कितना ज्ञान हुआ, मतलब ये ज्ञान ढकते ढकते यहां तक आए, ढकते ढकते। ये बात दूसरी है कि पूरा ढकाव नहीं आ सकता, लेकिन ढकते ढकते ये अपना कितना वैभव नष्ट कर रहा है। आप समझ रहे हैं? ये ज्ञानावरण का मैंने आपको बता दिया कि जो कर्म हमारे ज्ञान गुण के पर्याय को व्यक्त नहीं होने देता, घातता है। घातता है मतलब व्यक्त नहीं होने देना ही घात है। कोई ऐसा नहीं है कि पहले प्रकट था और बाद में कर्मों ने आकर बाधा डाल दी तो फिर वो खत्म होगा, ये नहीं, ये व्यक्त ही नहीं होने देता। समझ में आता है? ये है कर्म ज्ञानावरण। आज हमको उस दीवार के उस तरफ क्या रखा है, ज्ञान नहीं हो पा रहा है। क्यों? वो दीवार के कारण नहीं, यहाँ पर अंदर में कोई एक दीवार है, वो कौन? वो ज्ञानावरण, उसके कारण हम ज्ञान नहीं कर पाते वस्तु का। आप समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान है, वे बराबर जानते हैं कि नहीं, कोई दीवार आड़ी आ सकती है, जैसे छत लगी आपने तो भगवान ये छत के अंदर का देख रहे कि नहीं, अरे क्या क्या गड़ा है उसको देख रहे कि नहीं, अरे इसके नीचे सात पृथ्वी उसको देख रहे कि नहीं, अरे सात पृथ्वी के नीचे क्या है वो देख रहे कि नहीं, अरे देखा है तभी तो बताया है कि नहीं, सुमेरु पर्वत के नीचे टनों सोना गड़ा है ये वे जानते हैं कि नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र के तल में रत्नों की राशि बिछी है ये वे जानते हैं कि नहीं। समझ रहे आप? हम एकदम घुसकर कहीं गुफा में बैठ जाए तो दुनिया की नजर से हम बच सकते हैं? भगवान की नजर से बच सकते हैं क्या? तो भगवान के पास ऐसा क्या है जो कितनी भी आड़ आने पर जानते हैं? उनकी मूल आड़ खत्म हो गई है कर्म की, ज्ञानावरण का क्षय हो गया है उनका। जो जो ये आवरण बढ़ेगा त्यो त्यो हमारा ज्ञान हीन होगा, आवरण घटा ज्ञान बढ़ा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ज्ञान इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ज्ञानावरण। जो ज्ञानावरण बढ़ा ज्ञान घटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक उदाहरण दूंगा मैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उदाहरण बहुत इजी है मेरे पास, आजकल तो बहुत इजीली दे सकते हैं। पंखा है, जो जो रेगुलेटर आपने घुमाया त्यो त्यो यहां पर पंखे की स्पीड बढ़ी। रेगुलेटर मतलब रेगुलेटर जो जो घुमाया तो उसका अंदर का आवरण कम हुआ, कम हुआ तो इसकी स्पीड बढ़ी। आप पकड़ रहे मेरी बात को? अरे पकड़ रहे कि नहीं? अभी यहां की परिभाषा और भाग की परिभाषा में थोड़ा अंतर करेंगे, ये हर जगह अपने को करना है कि ये परिभाषा में भाग में क्या परिभाषा दी है कोई बताएगा? एनी वन ऑफ यू, आई विल गिफ्ट यू टूडे 20 रुपीज, 20 उधारी का मामला। बोलो, वो तो मैंने बोल दिया, नई बात अभी मुझे खड़ी करनी है। भाग कितने जनों ने पढ़ा? भाग तो कौन से भाग में भैया? वीतराग विज्ञान भाग एक, एक मतलब ये छोटे छोटे थे तब पढ़ी होगी आपने। वितराग विज्ञान भाग एक तो पढ़ी सबने? हाँ हाँ हाँ, नहीं पढ़ी आपने।
उसमें कर्म नामक एक पार्ट है कर्म, तो उसमें ज्ञानावरण की क्या परिभाषा दी है बताएगा कोई? एनीवन यू कैन क्लेम फॉर 20 rupees ऑफर टिल टुडे। फिर हाँ बोलो बोलो। आपने नई बात क्या कही? चलो निकालो 20 rupees, निकालो 20 rupees जल्दी। चलो विराज जी, 20 rupees देने की कीमत पर आजमाना, ये कोई लकी ड्रॉ सिस्टम कोई ऐसी बात थोड़ी है। लग जाए तो का हमारा। सुनिए इस परिभाषा में क्या गंध है। जो ज्ञान गुण को ढकता है सो ज्ञान आवरण, इसमें कोई गंध है? काय की गंध है इसमें? इसमें क्या काय की गंध है? इसमें पराधीनता की गंध है। पराधीनता की यह गंध है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दबाता है ऐसी गंध है परतंत्रता की। तो एक द्रव्य ये कर्तृत्व की दुर्गंध है, इसमें इंडिपेंडेंसी नहीं रहती। मतलब जीव किसी के हाथ की कठपुतली है ऐसा लगता है, जीव का सूत्रधार कोई दूसरा कोई है ऐसा लगता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसा वे लोग कहते हैं प्रकृति कराती है, कौन कहता है बोलो मुक्ति? सांख्य लोग ये कहते हैं। भाई जो भी हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, ज्ञान कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कौन करता है? ये प्रकृति कराती है। हमारा क्या, हमारा क्या है? वैसे हमने बोल दिया कर्म ने ज्ञान गुण को ढका सो ज्ञानावरण। एक हाथ ऊपर आया है, मैं 10 rupees तो दे ही सकता। मिल जाएगा तुमको, मिल जाएगा। पहले वाला 20 तुम देना है मुझे, 10 मैं दूंगा, तुम 10 मुझे देना, बैठ जा। कब तक देगा? मंदिर में मुझे देना है, मुझे भैया। सुनो नहीं, मैं आपको दे दूंगा, कल दे दूंगा। चलो सुनो, वैसे 20 rupees इनाम रखी थी इसके लिए। इन्होंने क्या बताया, कितने जन ने सुना? चलो 5-6-7-8 जन, 10-12 जन हो गए। अरे वाह, अब मैं बताऊ एक बार। इन्होंने ये बोला, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करता है, तब उस ज्ञान गुण के घात होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। इसमें उपादानगत बात भी आ गई, और निमित्त ये बलवान कारण नहीं है, ये बात फलित हुई। जीव स्वयं अपराध करता है तो उस पर निमित्त पने का आरोप आता है, ये बात आ गई। समझ रहे आप? सम्यक। Are you understanding the table? Okay. मतलब understanding मतलब नीचे खड़ा होना, under मतलब नीचे, ठीक है? मैं अंग्रेजी कम जानता हूं भैया। कहां तक आए हम? अभी सुनो। निमित्त जबरन कुछ कराता नहीं, यह हमने नक्की किया। एक उदाहरण दूंगा, थोड़ा धक्का लगा एकदम, ओ ऐसे क्यों हुआ? फटाफट कौन उदाहरण पूरा करेगा? इसके लिए भी मैं 20 rupees दे सकता हूं। धक्का लगा एकदम, बहुत पेन हुआ, तो कहने में क्या आ रहा है? धक्के के कारण लग गए। अथवा चलते चलते पत्थर का स्पर्श हुआ, ओहो बहुत लग गई। लेकिन आगे बढ़ो, सभी जन चल रहे हैं, सभी जन ठोकर भी खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। सुनो, जिसको पहले से स्वयं लगी है वहां पर, हो जाते ना कभी जख्म एकदम थोड़ी, फिर वहां पर किसी का धक्का भी होवे एकदम पेन होता है, होता है। सिद्धांत क्या फलित हुआ कौन बताएगा? सिद्धांत क्या फलित हुआ नहीं बताएगा कोई भी? अरे मुझे अपेक्षा थी, अपेक्षा है मुझे, कोई बताए सिद्धांत क्या फलित हुआ? बोलो,
स्वयं लगी है उसी को वो दिक्कत हो रही है, तो वो धक्के पर आरोप आ रहे हैं, साहब अच्छे से देख कर चलो, इतने जन चल रहे हैं उन पर कोई आरोप नहीं, वे कोई किसी को आरोप नहीं करते, क्यों? स्वयं जिसको जख्म लगी हो, आप समझते हो, होता है ना बहुत बार, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, जब थोड़ी भी जख्म लगी हो, नाखून ज्यादा कट हो जाए, ज्यादा, अब धक्का भी लगे किसी का, ए बदतमीज अच्छे से नहीं चल सकते, देख सकते, बदतमीजी तुम्हारी है कि तुमने कल जो बदतमीजी की ना, मैंने क्या किया, ज्यादा नाखून काटा ना तुमने, बदतमीजी वो है तुम्हारी, इसलिए किसी का भी धक्का भी सुहा नहीं रहा, दूसरों का धक्का है लेकिन मूल गलती तुम्हारी है। हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग, नीचे कितने जन खड़े हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलना है आगे। निमित्त उपादान समझाने के लिए ज्ञानावरण का प्रकरण अपना क्लोज, ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद है, पांच भेद बताए, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, सुनो, देखो रॉबिन, तुमको वहां पर डालना चाहिए केलेन में ले जाकर, वास्तव में उसी काम का है, बहुत गड़बड़ हो गई है, यहाँ के वहां चले गए, वहां का यह चला गया, ये तो इसका तो ठीक है, ये डीपीएस में आ गया, चलो सुना दे, पांच भेद बताए, कैसे बताइए, देखो अभी वैसे कर्म हमने आठ बोले, अभी आठ के प्रभेद यदि करते तो बनेंगे 148, कितने 148। वो पूजन की लाइन कौन सी है भैया, 63 प्रकृति नाश, चौघाती की कर्म 63 प्रकृति नाश, नहीं ज्ञान में आप लोगों के, नहीं ज्ञान में किसी के, जयमाला में देख लेना सब, मुझे कल परसों बता देना, जयमाला सब ढूंढ लेना जितनी भी पूजने हैं, ठीक है, ये पंच परमेष्टि पूजन में आपको मिल सकती है किसी जयमाला में, देख लेना जितनी भी पंच परमेष्टि की पूजन मिलते देख लेना। मैं तो अभी क्या कहने बैठा हूं, प्रभेद करेंगे तो 148 प्रकृतियां होगी, कैसे देखिए, अभी ज्ञान के भेद बनाए थे हमने, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, अभी सीधी बात है, जैसी ज्ञान की परिभाषा करी वैसी इनकी करते जाओ, जो मति ज्ञान को ढकता है वो उपादान की तरफ से लगाना हो तो क्या लगाएंगे, जब जीव स्वयं अपने मति ज्ञान को व्यक्त नहीं करता तब व्यक्त न होने में जिस कर्म का उदय है उसे मति ज्ञानावरण कहते हैं, ऐसे सभी पांचों के पांच लगा लेना, मति ज्ञान और मति ज्ञान को ढकने वाला मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने वाला श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने वाला अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने वाला मनपर्य ज्ञानावरण, और केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने वाला केवल ज्ञानावरण। समझ रहे ना आप सब, आज हमको केवल ज्ञान क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा ढक लिया है इसने, अवधि मनपर्य क्यों नहीं है, आज पूरा ढक दिया उसने पैक, आज हमको थोड़ा मति श्रुत ज्ञान क्यों है, क्योंकि पूरा नहीं ढका है इसने, तो क्षोभ में है, थोड़ा थोड़ा उघाड़ हो गया है, आप समझते हो, जिस संबंधी हमको ज्ञान हो रहा है उस संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का हो गया है डाउन, उदय भावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था भूक्षम, देशघाती स्पर्धकों का हो गया उदय, तो उतना खुल गया मैटर, खुल गया, थोड़ा बादल हटा, किरण डायरेक्ट नीचे धरती पर, लेकिन कैसे, जो जो हटता जाएगा पटल त्यो त्यो, सुनो पटल हटा इसलिए उजाला आने लग गया, उजाला तो पटल को फाड़ के देखो, उजाला तो अंदर में पड़ा ही था, समझ रहे आप, कि ये कोई कृपा इसकी नहीं है,
लेकिन यह सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है कि यह हटेगा बादल तो यह सीधा प्रकाशित होगा, समझ रहे हैं। कर्म के होने के निमित्त से हमारा ज्ञान का स्वभाव पूरा व्यक्त नहीं हो पा रहा है। चलना है आगे। ये अब मेरा प्रश्न है कुछ, क्यों भाई यहाँ पर कुमति ज्ञानावरण, कुश्रुत ज्ञानावरण, कुअवधि ज्ञानावरण ऐसा क्यों नहीं लिखा? कर्म के आठ भेद क्यों नहीं लिखे? तीन हाथ ऊपर आए हैं, चार हाथ ऊपर है। यदि कोई प्रॉपर उत्तर देगा, पांच रुपए बहुत ही कम है क्या? दस रुपए ठीक है, चलो। हाँ नहीं मतलब नैतिक वाला भी कार्य होना चाहिए ना। चलो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, आप बताओगे? पीयूष बोलो। आपको कुछ बताना है इसलिए आपने हाथ खड़ा किया क्या? कुछ ना कुछ बताना ही है कि आता है इसलिए हाथ खड़ा किया? आप निरंतर मौके में हो, कोई भी उत्तर प्रश्न पूछने के पहले ही आप मौके साधे हो हाथ ऊपर करना। किसी किसी का तो यह रहता है मैं कुछ ना कुछ बोल ही डालू, सभा का ध्यान आकर्षित कर लो। आज बैठ जा, सोच समझ कर हाथ ऊपर करना। बोलो अक्षत। बराबर, बैठिए। सच पूछो तो, ए सुनो सुनो, सच पूछो तो ज्ञान सम्यक मिथ्या नहीं होता। ज्ञान को मिथ्या दर्शन के कारण मिथ्या ये उपाधि मिल जाती है, इसलिए इनके लिए कोई अलग सा आवरण वावरण नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, उसके संग में सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो तो मिथ्या ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान के पांच उपयोग बताए थे, मति श्रुत अवधि मन पर केवलानि ज्ञानम, तो उसके आवरण करने वाले कर्म भी पांच। और कुज्ञान, ये कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान के लिए कौन कारणभूत है यदि प्रश्न पूछा जाए, तो वहां पर कारणभूत ज्ञानावरण नहीं है, उसके लिए कारणभूत दर्शनावरण है। अभ्यभ्य हमने प्रकरण पढ़ा था, याद आ रहा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में याद आ रहा है क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नहीं याद आ रहा है आपको? कौन सा प्रकरण पढ़ा, कहां पर, कौन सा प्रकरण पढ़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? वहां पर एक प्रश्न पूछा तीसरे अध्याय में, तीसरा अध्याय, थर्ड अध्याय, क्या प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा भैया? कि ये मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? तो ज्ञानावरण को आप कारण क्यों नहीं कहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ज्ञानावरण यह कारण नहीं है, मूल कारण दर्शन मोह का उदय है। पेज नंबर बताओ जल्दी मनन, मनन जल्दी पेज नंबर बता रहा है जल्दी। चलिए तब तक अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न अपना हुआ कि आठ ज्ञानावरण कर्म क्यों नहीं है, पांच ही क्यों है? ओके, अभी होने को 148 जो कर्म प्रकृति बोल रहे हैं ना, और यदि प्रभेद करे तो प्रभेद के प्रभेद, तो और कितने भेद हो सकते भैया, जानते हो आप कर्म के? हाँ हाँ, मति ज्ञान, मति ज्ञान और ने बोला है ना, अब मति ज्ञान अकेले के हमने एक बार 336 भेद किए थे, कितने जनों को याद आ रहा है? अभी हम इसमें ऐसा कर सकते, अवग्रह मति ज्ञानावरण, यहाँ मति ज्ञानावरण, फिर अवग्रह में भी स्पर्शन संबंधी, रस संबंधी, फिर उसमें भी अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह, कितने जन को समझ में आया? ऐसे भेद करेंगे, मति ज्ञानावरण के भी भेद पढ़ेंगे कितने सारे, 336 नहीं, फिर और लिए थे अपने 1000 कुछ, किस अपेक्षा लिए थे हमने? वो हमने लिए थे स्मृति प्रतिबिंब तर्क अनुमान में भी गए थे, याद आ रहा है? मतलब प्रभेद देखेंगे तो ये प्रभेद में इतनी धारा खुलेगी, उस न्याय से कर्म के भेद
अब जानते हो सिद्ध चक्रमंडल विधान में कर्म के भेद गिनाते समय संख्यात असंख्यात और अनंत तक की फिगर बोली। कितने भेद कर्म के, क्यों अनंत, क्यों अनंत, इसीलिए क्योंकि जितने जीव के भाव उतने प्रकार के कर्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अट्टी वाले कितने जन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मुझे जानना है। 2, 3, 5, 10, 16 अभी 2-3 जन जो है उनको तो कोई रुचि ही नहीं है समझने की। आई एम वेरी सॉरी, आई कांट सेव यू। इज इट क्लियर? ये एक ये तत्व है, अत्यंत निष्क्रिय तत्व है ये है, और वो पन्ना है, और थोड़े ढीले ढीले ये पन्ना, फिर ये भी थोड़ा ढीला है, ये भी थोड़ा ढीला, ये भी थोड़े दोनों ढीले हैं, समझ रहे? और बाकी तो ठीक ठीक चलते रहते हैं। चलना आगे, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप, इतनी तो डेयरिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपका अंतस नहीं देख सकता। आगे बढ़ू मैं, ज्ञानावरण की चर्चा अपनी कंप्लीट। ज्ञानावरण के लिए क्या उदाहरण लिखा था चार्ट में? वस्त्र से आच्छादित भगवान की मुद्रा वत्। आगे बढ़ते हैं, दर्शनावरण कर्म को हम देखते हैं। चलना है आगे, क्या है ये दर्शनावरण कर्म? अभी इसमें भी परिभाषा यहां पर तो दी है, जो कर्मात्मा के दर्शन गुण को गाता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इसमें पहली शर्त तो वो लगाना, बताओ आप, खड़े तो रहो है, तू रॉबिन के गांव का है क्या? उसके अगल बगल का है क्या कहीं का? अगल बगल का है क्या? बोलो, आपको मन नहीं लगता क्या पढ़ने का? फीस भरी है कितनी? कितना क्या करते पापा? कैसे फीस भरी होगी और बच्चा यहां पर क्या कर रहा है? बेटा बहुत मेहनत करते माँ बाप वहां पर, एक एक पैसे के लिए मेहनत करते हैं। काहे की दुकान है? जनरल स्टोर में तुम समझ सकते हो, 5 रुपए की वस्तु बेचने उसमें 5 दफे चक्कर काटेगा आदमी, सब ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं, 5 दफे माता खाने आता है वो, और कभी यूज करके ला के देता है ठीक नहीं, अब वो किसको बेचे वो बोल रहे, तुमको यहाँ पड़ा रहे लगा रहे पैसा यहाँ पर, और तुम यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। जैसा वो तुषार है ऐसा तू एक है हीरा। माँ बाप को कितना नाज होता होगा आपके ऊपर। आ गया मेरा साथी? नहीं आया आज, गजब हो गया। आया था लॉन्ड्री से प्रेस कपड़े लेने के लिए, अब भी दिखा था दोपहर में। कैसे तुम लोग क्यों नहीं उठाते आपस में? उठाया था? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ये आपस में ऐसा करना चाहिए आपको, ये भ्रातृत्व ब्रदरहुड आपको रखना चाहिए। आते आते भाई एक अच्छा अट्ठा लगा क्या आगे? क्या वो उसमें क्या आपत्ति है? क्लास जारी कहकर फिर दूसरे ने भी खींच लिया, क्या उसमें क्या आपत्ति क्या है मुझे बताओ? इतना तो आपको करना चाहिए बंधुत्व के नाते। श्रद्धांश ठीक है? हाँ, क्या क्या हो गया? टिकमगढ़ चला गया ना? टिकमगढ़ का है कौन? टिकमगढ़ का है श्रद्धांश भी? हाँ। लगता नहीं है लेकिन ये टिकमगढ़ का, तुम बताए मत करो किसको टिकमगढ़ का। सुनो सुनो, <हुँ, हुँ>,
दर्शनावरण की चर्चा पहला पॉइंट आपको कोई आप बताना है आप कुछ सुधार हो सकता है जीवन में तो कर लेना सुधार जो तो तुम्हारा जा रहा है समय बर्बाद हो रहा है तुम्हारे पीछे हम लोगों का बर्बाद हो रहा है आप बताओ हाँ बताओ कोई बोलो उससे पहले और एक बात अपेक्षित थी मुझे यहाँ पर गुण का अर्थ पर्याय ऐसा लेना एक पॉइंट दूसरा पॉइंट इसमें उपादानगत बात डाल के बात करना क्या बात करोगे जब जीव स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है तो उसमें जिस कर्म का निमित्त होता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं चलना आगे चलते हैं आगे अब इसके लिए उदाहरण दिया चरण ने पहले तुम ये बताओ जैसे ज्ञान की महिमा की थी वो जानता है अब दर्शन करता क्या है दर्शन देखता है आंखों से देखने वाला देखना नहीं लेना यहां पर सामान्य अवलोकन उसका ज्यादा भाव हम नहीं समझ पाते ज्ञान के पहले एक भूमिका जमाता है दर्शन तो दर्शन पर आवरण होने से क्या होता है जीव सामान्य अवलोकन करने में भी असमर्थ हो जाता है पकड़ रहे आप सब सामान्य अवलोकन करने में भी असमर्थ हो गए उसके लिए उदाहरण लिया आचार्य ने चार्ट बनाया है वहां पर लिख देना उदाहरण दूसरा कोई बताएगा उदाहरण जैसे कोई द्वारपाल प्रहरी चौकीदारी कर रहा है बाहर और बाहर कोई उसको आया राजा साहब को मिलना है क्यों मिलना है क्या काम है तुम्हारा ये काम है अगले हफ्ते आना चल निकल तो उसके मन में आए तो राजा का मुखड़ा भी आपको देखने न मिले सब उसी के हाथ में है समझ में आता है और उसका मन बना फटक से दर्शन कराए तो ये द्वारपाल समान दर्शनावरण का काम है वह राजा का सामान्य अवलोकन भी नहीं होने देता वस्तु का सामान्य अवलोकन भी नहीं होने देता तो विशेष अवलोकन अर्थात ज्ञान होने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता कितने जन बात को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं पूरा ठीक है ठीक है दर्शनावरण की चर्चा तो हमारी ऐसे हो चुकी है दर्शनावरण के भेदों पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं उससे पहले मैं और थोड़ा आपको पूछूं कि ज्ञानावरण के जो पांच भेद हमने बनाए उसमें मति ज्ञानावरण की विस्तार से परिभाषा क्या कर सकेंगे ये जितनी विस्तार से कर सकते उतनी कैसे करेंगे इंद्रिय और मन के निमित्त से जीव को जो मति ज्ञान होता है उस मति ज्ञान को जब वह प्रकट नहीं करता तो न प्रकट होने में जिस कर्म का उदय है वो मति ज्ञान आवरण मुक्ति ठीक है इसमें आपने क्या किया मति ज्ञान की परिभाषा खड़ी करी कोई प्रश्न एनी क्वेश्चन नहीं अभी देखिए दर्शनावरण के आपको लिखने हैं चार्ट में 9 भेद कितने भेद आज इसको भी हम पूरा करेंगे 146 तक आज पूरा हो जाएगा आज अपना ठीक है कौन कौन से 9 भेद तो देखिए अभी समझिए अभी यहां पर सामान्य अवलोकन नहीं होने रूप सचमुच 4 ही भेद है जिसमें आप लिखो नहीं कुछ नाम मत लिखो कुछ विशेष पॉइंट हो तो लिखो सामान्य अवलोकन को ढकने लायक 4 ही कर्म है चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण अवधि दर्शनावरण केवल दर्शनावरण सामान्य अवलोकन नहीं होने देते ये चीज ये चारों चीजें
अभी पूरी लंबी की लंबी परिभाषा, लंबी चौड़ी परिभाषा चक्षु दर्शनावरण की कौन करेगा? जब यह जीव, बोलो, जब यह जीव चक्षु के माध्यम से कुछ ज्ञान करता है तो उस ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन उसको होता है, उस अवलोकन का जब वो घात करता है तो उसके घात में जो कर्म निमित्त है वह चक्षु दर्शनावरण है। और अचक्षु दर्शनावरण में भी जो अचक्षु दर्शन का घात करे, चो अचक्षु दर्शनावरण, और लंबी परिभाषा, आंख को छोड़कर पांच इंद्रिय के माध्यम से जीव को जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है, उस सामान्य अवलोकन को न होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। समझते हो? जितना ज्ञान नहीं हो रहा है तो उदय के कारण नहीं होता है, जितना ज्ञान आज हमको हो रहा है वो क्षय विषम के कारण हो रहा है, और जितना ज्ञान केवलियों को हो रहा है वो क्षय के कारण हो रहा है। हमको जो ज्ञान होता है वो क्षय विषम के कारण, उनको जो ज्ञान होता है वो क्षय के कारण। फर्क यह है क्षय से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, क्षय विषम से परोक्ष ज्ञान हो रहा है हम तुमको, लेकिन ज्ञान नहीं होने में कारण तो उदय ही होता है। समझते हो आप? पकड़ रहे हैं? किसी को कोई प्रश्न हो, एनी क्वेश्चन, देन यू मे आस्क। क्या वर्ड है वो? क्वेश्चन नहीं कहेंगे, फिर क्या कहते हैं? क्वेश्चन। ओके ओके ओके, वहां पर क्या कहते थे आपके? क्वेश्चन। आपके उसमें क्या बोलते थे भाई? ठीक है, कोई आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे, नहीं तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं। है किसी को? उसी प्रकार केवल दर्शनावरण की भी परिभाषा कर सकेंगे। केवल ज्ञान के अविनाभावी केवल दर्शन को ढकने में जो कर्म निमित्त है वो केवल दर्शनावरण, और लंबी परिभाषा हो सकती है इसकी। अवधि दर्शन तो केवल अवधि ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है उसको न होने दे, वो अवधि दर्शन उपयोग। इज इट क्लियर? ये चार तो बहुत इजी रहे। क्यों इजी रहे? ये सामान्य अवलोकन नहीं होने देने रूप दर्शनावरण कर्म की बात है। अभी जो हमको पांच देखने हैं वो निद्रा संबंधी है। ध्यान रखना, नींद आना ये भी दर्शनावरण कर्म का उदय है, ये भी एक प्रकार से सामान्य अवलोकन नहीं होने की ही बात है वैसे तो, लेकिन और प्रचुरता से उदय वाली चीजें है ये। कैसी है ये? इसलिए इनको सर्वघाती प्रकृतियां कहा। क्या कहा? अरे कभी आपने देखा है सर्वघाती देशघाती? अभी तक नहीं देखा ना हमने कभी? छोड़ो फिर इन बातों को, फिर अपन देखेंगे लगभग एक महीने के बाद सर्वघाती और देशघाती क्या चीज है। जो आज सुबह देखा एक महीने के बाद सब समझाऊंगा। चलना है आगे। नवी वाले तो सब पकड़ रहे, मेरे ज्ञान में है, कितने जनों का बहुत अच्छा अटेंशन है। संयम कोई विकल्प? कुछ नहीं, ठीक है। ये पांच प्रकृतियां कौन सी? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि। पांच बातें मैंने बोली, शब्द यहां पर है मेरे भाई, शब्द यहां पर है। अब तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए, पांच शब्द है, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि। ध्यान रखना ये निद्रा के ही भेद है सब। इसको तत्वार सूत्र में यदि हम देखते हैं तो तत्वार सूत्र में आप देख सकेंगे। सूत्र तत्वार सूत्र का सूत्र कौन पढ़ के दिखाएगा? हाँ बोलो, आठवें अध्याय का सातवां सूत्र सब देखेंगे। सातवां देखिए, सातवां सूत्र, पहले तो पांचवा सूत्र सब देखिए। वहां पर पंच के बाद क्या लिखा? नौ। नौ मतलब नौ भेद है। ये पूरा सूत्र भी ध्यान में रखना, पांचवा, ये पूरा चार्ट बन रहा है अपना। तो भेद प्रभेद, एक तरफ कर्म और एक तरफ उसके भेद, वो वाला चार्ट में समझना। पहले के ज्ञानावरण के पांच भेद, दर्शनावरण के नौ भेद। नौ भेद कौन कौन से उसके लिए आइए देखिए। सातवां सूत्र, चक्षु र का बन जाएगा विसर्ग, विसर्ग कहेंगे ना उसको, अचक्षु,
अवधि केवल आगे निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान गृध्यच्च मिल रहा है सबको देखिए ये इसमें क्रम ऐसा दिया जब गोमट सार पढ़ेंगे आप कभी दो तीन साल के बाद वहां पर क्रम आपको मिलेगा स्थान गृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला निद्रा प्रचला ये क्रम भंग क्यों यहां वहां ऐसा यहां पर ऐसा क्रम इसलिए लिखा क्योंकि सूत्र का ये नियम है कि लघु अक्षर पहले चाहिए तो निद्रा से लेकर बढ़ते 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 गए आगे ओके निद्रा फिर तुरंत निद्रा निद्रा वैसा ही शब्द था तो पास में जोड़ दिया बोलने में सरल फिर प्रचला बड़ा शब्द फिर प्रचला प्रचला और फिर बड़ा शब्द और स्थान वृद्धि लेकिन गोमट सर में ऐसा नहीं करके स्थान वृद्धि को पहले लिखने का कारण क्या फिर निद्रा निद्रा को फिर प्रचला प्रचला को फिर निद्रा फिर प्रचला क्योंकि गोमट सार में वो कितनी तीव्र निद्रा है उसकी तरफ से कथन किया है क्या बोला तीव्र निद्रा स्त्यान गृद्धि सबसे तीव्र निद्रा है क्या है मैं थोड़ी बताऊं स्त्यान गृद्धि गृद्धि ये शब्द तो आप सब नहीं सुना होगा गृद्धि अपन कहते भी गृद्धता इसे खाने के प्रति बहुत गृद्धता है एक गिद्ध पक्षी भी देखा होगा गिद्ध पक्षी क्या क्या करता है गिद्ध पक्षी एकदम झपटता है कोई भोज्य सामग्री की तरफ उठाता है जुक लेके चला जाता है और एक जगह बैठ के फिर उसको खाता है गृद्धता गृद्धता समझ में आ रही उसी प्रकार किसी किसी की स्त्यान मतलब निद्रा सोने में गृद्धता इतनी गहराई में सो रहा है इतनी गहराई में सो रहा है कि निद्रा में सोते सोते उठ खड़ा रहता है बैठता है बाथरूम में जाकर नहा भी लेता है स्वयं ही निद्रा में कहीं जाकर अपने आभूषण उतार आता है दूसरे दिन जगने के बाद सबसे झगड़ता है कहां पर गए किसने लिए फिर कभी सो गया फिर स्थान गृद्धा निद्रा में फिर जाकर अपने पहले के स्थान में रखे आभूषण उठा के फिर पहन लेता है फिर आके सोता है ये स्वप्न में नहीं चल रहा है इतनी गहरी निद्रा है उसको अधिक क्या निद्रा में उठकर बड़े से बड़े खून करके आए सुनो ये निद्रा का ही प्रतीक है निद्रा ही है एक क्वालिटी की हमारे सामने एक संतोष नाम का लड़का रहता था जैन ही था उसके माँ हमेशा एक शिकायत करती थी ये किराना दुकान थी उनकी घर से लगी हुई वो नींद में उठता था दुकान में जाता था रात के 2 बजे तराजू के सामने खड़े रहता था बोलता था कितना चाहिए आधा किलो ठीक है आधा किलो का बाट रखता था नाप तोल करता था ले जाओ बोलता था आकर सो जाता था पूछते थे तो कुछ बोलता नहीं था बीच में और दूसरे दिन भी पूछे तब तो कुछ ही पता नहीं चलता था उसको हैं हो ही नहीं सकता आधी रात दरवाजा खोल लेता था और सामने रोड को क्रॉस करके बिल्कुल हाईवे को क्रॉस करके वहाँ पर बड़ा पत्थर है उस पर जाकर बैठता था 1 घंटा झूलता था नींद में फिर वहाँ पर आता था कुंडी लगा के फिर सो जाता था भूत ये स्त्यान गृद्धि वाला कुछ भी कर सकता है निद्रा में समझ रहे स्त्यान गृद्धि की क्वालिटी की निद्रा है और अक्सर जो हमको स्वप्न आते हैं ये स्त्यान गृद्धि में ही आते हैं समझ रहे आप सब इस स्त्यान गृद्धि को मैंने लिया अब
क्रिया एक्शन क्रिया भी होती है उसमें, ऐसा कुछ नहीं, नहीं अपनी नहीं होती क्रिया, लेकिन मैंने कह रहा हूँ ना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं उठते हैं बिल्कुल बकायदा सब, मैं कह रहा हूँ ना खून करके आते हैं आखिर। देखो वर्णी जी थे, सहजानंद वर्णी नाम कितने जन ने, गणेश प्रसाद वर्णी कितने जनों ने नाम सुना, गणेश प्रसाद जी वर्णी बुंदेलखंड के, ईसागढ़, तुम ईसागढ़ के हो, शेम ऑन यू फूलिश पर्सन, होपलेस फेलो, ईसागढ़ का ही है, वर्णी जी ईसागढ़ के ही थे। तो वे नींद में एक घंटे का पूरा प्रवचन दे देते थे, वे नींद में पूरी आत्मख्याति संस्कृत की बोल लेते थे। ये विस्तृत कुछ नहीं पता चले नींद में, ठीक है, ये निद्रा की गाड़ी बहुत गाढ़ता प्रगाढ़ता। उसके बाद लो निद्रा निद्रा, ये जीव को पेड़ के ऊपर जाकर भी सो जाता है, वहां पर भी घुरघुराता है, और सुनो सुनो ए खुरखुर मत करो, तुमको निद्रा निद्रा मत आने दो, नहीं तो मुझे फिर स्थान वृद्धि आ सकती है। सुनो सुनो देखो, फिर और कितनी भी विषम भूमि हो उस पर भी सो जाता है, ठीक है। तो ये निद्रा निद्रा में ऐसी स्थिति, कितना भी उठाओ उठता नहीं है, वो आंख ही न खोल सकता है, खोल ही नहीं सकता, ये उसकी विशेषता है निद्रा निद्रा वाले की। फिर प्रचला प्रचला देखते हैं, प्रचला प्रचला चलेगी ना, प्रचला प्रचला है ना, प्रचला प्रचला में ऐसा सोता है कि मुंह से लार बहती रहती है नींद में, क्या हाँ रियांग कौन है, हीरालाल, ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ये तो जितनी गाढ़ा उदय है वैसा ही ऐसा होता रहता है, प्रचला प्रचला। और चारों तरफ नींद में से भी उठाए तो कदाचित उड़ भी जाए, चारों तरफ डोलता रहता है, सिर धुनता रहता है। ये ए मैं मेरी नहीं बोल रहा हूं, ये सब मैं ग्रंथों से बोल रहा हूं। फिर आगे क्या आएगा, निद्रा, निद्रा में अच्छे से सो तो जाता है लेकिन दूसरों के द्वारा उठाए जाने पर उठ जाता है, क्या बात है भाई, क्या क्या हो गया, रॉबिन का तो नाम मतलब मेरे रॉबिन तुम बिल्कुल चुप रहना, भगा दूंगा नहीं तो तुम, रॉबिन को देखूंगा मैं एग्जाम में कितने मार्क लाता है। आप मार्क्स नहीं अचीव करेंगे, आप तो सबसे पहले गद्दारी कर रहे हैं आपके माँ बाप के साथ, मुझे बहुत खेद होता है। आपके माता पिता देखो फीस कोई कम नहीं है यहाँ की, माता पिता कैसे बेर करते होंगे, अब सब तो बड़े घर के हैं नहीं, कैसे कौन घर का होगा, कैसे कौन घर का होगा, कैसे देते होंगे, संस्कार के पीछे रखा होगा, और तुम लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देते, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अच्छा समझ में नहीं आता ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन समझने की इच्छा नहीं रखना ये अपराध ही है। समझ में कम आना ज्यादा होना ये क्षोभ से हो सकता है, समझने की इच्छा नहीं होना ये लापरवाही प्रमाद का ही काम है, पाप बंद का काम है, ये मोह का काम है। समझ में कम आना ये ज्ञान का काम, ज्ञानावरण का, समझने की इच्छा नहीं होना ये तुम्हारे मोह का काम, ये तुम्हारा अपराध। हाउ मेनी आर गेटिंग, कितने जन नीचे खड़े हैं,
अंडरस्टैंडिंग. ठीक है ठीक है. प्रचला में कुछ लिया ही नहीं था, अभी लेंगे. अभी निद्रा को ऐसा लिया हमने जिसको उठाए जाने पर जल्दी उठ बैठता है और अल्प शब्द के द्वारा भी सचेत हो जाता है. लेकिन सोया तो है, थोड़ा सा थकान को दूर करने के लिए थोड़ा विश्राम कर लेता है और आंखें भी थोड़ी बाहरी तो रहती है उसकी, लेकिन उठ जाता है. चलना आगे. अब प्रचला में ऐसा है कि और ढीली निद्रा है कि ये थोड़ा उठता है, आंखें भी थोड़ी खोलता है, फिर थोड़ी ढकता है, फिर थोड़ी खोलता है, फिर थोड़ी ढकता है और कुछ कुछ जानता भी रहता है. जब हमने पटाख पूछे कोई झूल रहा था नींद में, हम बोले बोलो क्या कहा, बराबर बोल के दिखा है, लेकिन उतना अटेंशन नहीं. तो ये प्रचला किस स्तर में, ये तो बैठे बैठे ही होगा प्रचला, ये तो लेटने की बात ही नहीं प्रचला में. समझ में आता है? तो ये हमने कितने प्रकार की देखी, 9 प्रकार का हमने दर्शनावरण आज देखा. इन दर्शनावरण में 6 तो 5 तो निद्रा संबंधी है, 4 तो सामान्य अवलोकन संबंधी है. अभी आप समझ रहे होंगे ये दर्शनावरण ज्ञानावरण के कितने क्लोजली रिलेटेड है. कैसे क्लोजली रिलेटेड है, देखो जहां पर आपको नींद आ गई. आज सुबह मैंने जो चर्चा ली थी, बेहोश हो गया कोई, सो रहा है तो उसको ज्ञान कम होता है. तो ज्ञान सुनो, निद्रा है ना उसकी, वो कौन सा कर्म का उदय है, निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय. लेकिन निद्रा के काल में उसको ज्ञान भी होता है क्या? इसलिए मैंने आज सुबह कहा था वो जीव को दुख का भी एहसास नहीं होता कुछ, बेहोश पड़ा उसको थोड़ी ना दुख का वेदन हो रहा. आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? सुबह मैंने कहा था कितने जन को ख्याल में है, आपको ख्याल में नहीं. मैंने कहा था सो गए बेहोश है उसको दुख का वेदन नहीं. तो मैंने कहा था वेदन क्यों, ज्ञान भी ढक गया ना उसका. मैं तो ये कहना चाहता हूं ज्ञान और दर्शन कैसे अविनाभावी गुण है. जहां पर दर्शनावरण हो गया वहां पर ज्ञानावरण भी होता है बराबर. जहां पर ज्ञान खुलेगा वहां पर दर्शन भी खुलेगा. जहां पर ज्ञान एकदम ढकेगा, एकदम निद्रा की स्थिति है, दर्शन एकदम ढक गया, दर्शनावरण का तीव्र उदय, निद्रा 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 बस, ये सर्वघाती प्रकृति है निद्रा वगैरह सब, बस वहां पर ज्ञान भी एकदम थोड़ा होता है, ज्ञान नहीं के बराबर. फिर एक मक्खी भी जिसको नहीं चलती, देख लेना पूरा मुंह खुला है, पूरा मक्खियां भरी है, कोई दिक्कत नहीं उसको, ज्ञान ही नहीं हो रहा है. कितने आकर मच्छर काट गए, ज्ञान ही नहीं हो रहा है. यहाँ पर सुबह सोया था, लेट देखा सुबह दूसरे कोने में पड़ा है लौटता हुआ, दर्शनावरण ज्ञान भी नहीं उसको. उसको कहे तुम यहां से यहां नहीं आना, तो इतने कहते सब मुझे माफ करो मुझे कुछ नहीं पता, तुम थोड़ा लातों को संभालो करो, तुम्हारे बॉक्सिंग पंच को ये साहब हमको माफ करना, हमको कुछ नहीं पता. तो ज्ञान नहीं होता उनको. आप समझ रहे हैं? मैं तो ज्ञान और दर्शन के अविनाभावी पना सिद्ध करके यहां से दिखा रहा हूं. कितने जनों को ज्ञानावरण और दर्शनावरण का प्रकरण समझ में आया है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसी के सामने है? यहां पर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 2-3 उठाओ. तो एक पंक्ति पढ़ने का भाव अभ्य हुआ है तो उसको पढ़ के खत्म कर देते हैं. यहाँ पर तो बात इतनी सी है, लेकिन जो नींद लेते हैं दोपहरी में दिन में सोते हैं उनको बहुत बंद कहा है. ये ध्यान रखना, फुटनोट में ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रयों के भी कारण गिना रही है. फुटनोट में है ना तुम्हारे प्रवेशिका के, हम उसको प्रकरण में नहीं ले रहे हैं. क्यों? फिर प्रकरण बहुत बढ़ जाएगा. इसके लिए तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय का प्रवचन वगैरह होंगे, उसको रिफर करने पड़ेंगे आपको. 6वां तो वहां पर अध्याय में पूरे वर्णन किया है कि कौन किस किस के आश्रय का कारण कैसे कैसे. यहाँ पर 9वां अध्याय मैंने खोला मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, 9वें अध्याय का मैं एक पेज यहां से पढ़ता हूं. देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर पेज पर. यहाँ पर ये लिखा कि
सुखी देखो दुखी हो तब सोना चाहता है, वह सोने में ज्ञान अधिक मंद हो जाते हैं। ज्ञान मंद हुआ सोने में, और सोना स्वयं दर्शन मंद की निशानी तो है ही। 306 पृष्ठ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ज्ञान आदि मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ शरीर का भी होकर दुख को दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहते है, इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। मैंने ये सिद्ध किया, दर्शन और ज्ञान वेरी क्लोजली रिलेटेड है। आज मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया है, लेकिन तसल्ली से मैंने 4 प्रश्न आज पूरे कर दिए, ज्ञानावरण दर्शनावरण। नेक्स्ट पीरियड वी विल स्विच ऑन फॉर वेदनीय। ठीक है, ओम नमः।